जी हाँ दोस्तों, 12 लड़के एक साथ में घूमे मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा है, ये खूबसूरत सा गाना इन दिनों काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर यानी कि सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। इन दिनों नेहा कक्कड़ भाई बहन का एक गाना जो काफी ज्यादा वायरल है, जिस गाने के बोल मैंने अभी आपको सुनाया, और गाना डेफिनेटली आपने सुना होगा। और हम यहाँ पर बेसिकली गाने की बात तो बिल्कुल करने नहीं आए हैं। जी हाँ नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी में। बल्कि इस गाने पर रील बनाकर डांस कर रही उन लड़कियों के बारे में बताने आ गए हैं जो कि एक बार फिर से काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये वही झुग्गी बस्ती वाली लड़कियां हैं जो रियलिटी शो डांस दीवाने जूनियर्स पर अपना जलवा बिखेर चुकी हैं, जिनके ग्रुप का नाम दिया गया था गली गर्ल्स। अगर इंसान के अंदर टैलेंट है, कोई मुश्किल उनका रास्ता डेफिनेटली नहीं रोक सकती। ये बात इस बात को प्रूफ करती है। और जिन्होंने झुग्गी में रहकर अपना बिना किसी संसाधन की अगर हम बात करें, सच में बड़ी कमाल के तरीके से अपने टैलेंट को निखारा था। पूरी जर्नी में लड़कियों का साथ दिया था उदय सारेल ने, जो खुद भी इसी बस्ती से आते हैं और डांस बेस्ड रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इनके रील वीडियो को नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया, जिससे काफी ज्यादा यादें ताजा हुई। मध्य प्रदेश के नीमच शहर की एकता कॉलोनी की रहने वाली इन लड़कियों की डांस दीवाने जूनियर में परफॉर्मेंस करने के बाद, हालांकि अभी ये आगे तो नहीं जा पाई, लेकिन उस वक्त के समय की बात करें, जज नीतू कपूर, नोरा फतेही और मर्जी ने जमकर इनके डांस की तारीफ की थी। और उस वक्त मर्जी ने इनसे बात भी कही थी कि मंच के साथ एक नए सफर की शुरुआत तुम्हारी जिंदगी की हो चुकी है। यही नहीं, अगर हम गली गर्ल्स की बात करें तो इंडियन आइडल के स्टेज पर भी परफॉर्म करने के लिए बेसिकली उन्हें बुलाया गया था, जहां नेहा कक्कड़ खुद सभी लड़कियों के साथ डांस भी कर रही थी। ये देख गली गर्ल्स की कॉलोनी में सभी लोगों ने इनका बड़े ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया था। वैसे डांस दीवाने में इन लड़कियों का सिलेक्शन हुआ तो खुशी से झूम उठने के साथ साथ 14 से 15 साल की लड़कियां सोफिया बासी, रमिला भूरिया, आशा मैडा और अंजलि सारेल के साथ साथ और सपना ने अपने घर यानी कि एक ही कॉलोनी से बिलोंग करने वाली, जहां पर एक वक्त का खाना भी बड़ी किस्मत से उन्हें नसीब हो पाता था, लेकिन वक्त मिला तो सरकारी स्कूल में पढ़ने चले जाना, वरना कभी कृषि मंडी में जाकर दिन भर बिखरे अनाज को समेटना इनसे परिवार का गुजर बसर होता था। लेकिन बदलते के समय के साथ साथ डांस दीवाने का एक जुनून ऐसा आया उनके अंदर, जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। वैसे आज हमारे देश की बात करें, ऐसी तमाम सारी बेटियां हैं जिन्होंने सच में अपने कार्य के चलते अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम दिया है, जिनके बारे में हमें उन्हें अप्रिशिएट करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो डांस दीवाने की अगर बात करें, इन गली गर्ल्स के लिए आप लोग भी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा, और उनके हौसला अफजाई के लिए अपने दिल की बात को भी इस कमेंट में जरूर लिखेगा। साथ ही ऐसी जानकारी को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गॉसिप वाली गैलरी को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।